नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ तुरई और अंडे की सब्जी। तुरई और अंडे की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है तुरई कटी हुई, 2 अंडा, नमक, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, जीरा, कांदा कटा हुआ, हरा धनिया कटा हुआ, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च कटी हुई। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हम गैस ऑन करके कढ़ाई गैस पे रख देंगे। कढ़ाई को हम गरम होने देंगे। अब हमारी कढ़ाई गरम हो चुकी है, हम इसमें तेल डालेंगे थोड़ा। तेल को हम गरम होने देंगे। अब तेल गरम हो चुका है हमारा, हम इसमें डालेंगे जीरा, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, कांदा, इसे हम मिला लेंगे। हल्का ब्राउन होने देंगे। अब इसमें हम तुरई कटी हुई डालेंगे। तुरई को मैंने साफ पानी से धो लिया है। इसे मिला लेंगे। इसे ढक के पकने के लिए रख देंगे। ढक्कन हटा के उसमें नमक और हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार। मिला लेंगे इसे। ढक्कन रख के पकने के लिए और थोड़ी देर रख देंगे। अब हम ढक्कन हटा के भाजी देख लेंगे। भाजी हमारी पक चुकी है। अब हम इसमें अंडा डालेंगे। अंडे के लिए हमें बीच में जगह करनी है। सब्जी को इस तरीके से हम साइड में कर देंगे। इस तरीके से कर दीजिए साइड में, बीच में जगह बना दीजिए तेल के साथ। अब हम इसमें अंडा डालेंगे। अंडा हमें इस तरीके से डालना है। छन्नी रखिए, झारा लीजिए, इसमें इस तरीके से आप अंडा डालिए। इस तरीके से पूरा अंडा डाल दीजिए। अब इसे मिला लीजिए। ऐसे पूरा मिक्स कर लीजिए। देखिए अंडे की सब्जी और तुरई की सब्जी यहाँ बनने वाली है हमारी, अभी रेडी हो चुकी है। बनके तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। इसे मिला लेंगे। अब ये बिल्कुल रेडी है। देखिए दोस्तों, हमारे अंडे और तुरई की सब्जी यहाँ पे बनके तैयार है। ये बहुत अलग तरीके से हमने बनाई है। खाने में ये बहुत टेस्टी है। आप इसे अपने घर पे एक बार ज़रूर बनाइए और पसंद आया तो हमें लाइक कीजिए।